Hi everyone, let's start with question number 10 and it says the following particulars relate to income of Mr. Raman, an employee of XYZ Limited of Allahabad during financial year 1920 likha hai, please usko 1819 kar lijiyega, thodi si galti hai wahan par. 1819 mein unko cheeze mil rahi hain aur aapko karna kya hai, last line mein likha hua hai, compute his income from salary. Income from salary hi compute karni hai, total income compute nahi karni hai. हमेशा सैलरी के क्वेश्चन में मैं आपको बोलता हूँ, लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या मिल रहा है और उसके बाद उसकी टैक्सेबिलिटी चेक कीजिएगा. तो सैलरी इनकम है, फर्स्ट पॉइंट है बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल, डीएनएस अलाउंस अगेन फुली टैक्सेबल. ब्रैकेट में कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो हम रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं मानते हैं. कहीं पर भी अगर कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी की, तो वहाँ पर डीए फॉर्मिंग पार्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो मत लीजिएगा. अदरवाइज डीए इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल. सैलरी टेकन इन एडवांस फॉर डॉटर मैरिज, इन्होंने 3 महीने की सैलरी एडवांस में ली है 39,000 रुपीज. आप ये जानते हैं सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसेट बेसिस विच एवर इज अर्लियर. आई एम अगेन रिपीटिंग, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसेट बेसिस विच एवर इज अर्लियर. यहाँ पर इनको 3 महीने की सैलरी रिसीव हो गई है पहले से ही, तो उसको टैक्सेबल कर दीजिएगा. अलग से एक हेड बनाइएगा, अलग से यहाँ पर सैलरी के अंदर ही एक और पर्टिकुलर आएगा एडवांस सैलरी, और आप इसको टैक्सेबल कर दीजिए. फोर्थ पॉइंट इज बोनस, बोनस इज अगेन फुली टैक्सेबल. ई पॉइंट में लिखा हुआ है अ फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन हैज बीन गिवन बाय द कंपनी, द रेंट पेएबल फॉर द हाउस इज 8,000 पर मंथ एंड फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन है, रेंट फ्री, एम्प्लॉय से कुछ भी रिकवर नहीं किया जा रहा और कंपनी ने ये किराए पर लिया है घर 8,000 पर मंथ पर. इसके बारे में आप जानते हैं कि अगर कंपनी हायर्ड अकोमोडेशन है, कंपनी ने इसको ओन नहीं करा हुआ, कंपनी का अपना घर नहीं है, कंपनी ने कहीं और से किराए पर लेकर आपको दिया है, तो परक्यूजेट वैल्यू होती है 15% ऑफ आरएफए सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर. आई एम रिपीटिंग, परक्यूजिट की वैल्यू होती है 15% ऑफ आरएफए सैलरी. आरएफए सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, प्लस बोनस, एक्सेप्ट परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स नहीं आते हैं. दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आरएफए सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, प्लस बोनस, प्लस एनी अदर कैश कंपोनेंट अपार्ट फ्रॉम परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स नहीं आते हैं. इसको तरीका क्या है याद करने का, बेटा एक दो बार तो आप डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा, बट उसके बाद क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आती है कि आरएफए में क्या क्या लेंगे. जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो बेसिक सैलरी मिल रही है, बेसिक सैलरी विल फॉर्म पार्ट ऑफ आरएफए. डीए कितना लेना है, व्हेन इट फॉर्म्स पार्ट, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है तो नहीं लेंगे. उसके बाद एडवांस सैलरी लेनी है क्या, द आंसर इज नो. प्लीज आई एम अगेन रिपीटिंग, क्या आरएफए में एडवांस सैलरी लेनी है, द आंसर इज नो. क्यों नो, लॉजिक क्या है इसके पीछे, बेटा हम आरएफए सैलरी उतने दिन की ही लेते हैं जितना दिन हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है. बेटा यहाँ पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो आपको 12 महीने, इस साल के 12 महीने की प्रोवाइड की गई है, तो आपको सैलरी भी इसी साल के 12 महीने की लेनी पड़ेगी. 3 महीने तो आगे के साल में रिलेट करते हैं, तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिलेट करते हैं, आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे आरएफए सैलरी में. जब अगले साल आपको घर प्रोवाइड किया जाएगा तब वो आप 3 महीने ले लीजिएगा, क्योंकि इस 12 महीने की सैलरी का वो पार्ट नहीं है एडवांस, तो आप एडवांस सैलरी को कभी भी आरएफए सैलरी का पार्ट मत बनाइएगा. आगे लिखा हुआ है उनको फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है 1 लाख रुपीज़ का, आप इसके बारे में जानते हैं 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर परक्यूजेट बन जाता है. एजुकेशन अलाउंस 40 पर मंथ ईच फॉर 3 ऑफ हिज चिल्ड्रन, 3 बच्चों के लिए तो अलाउड नहीं होता, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अलाउड होता है. फर्स्ट चाइल्ड सेकेंड चाइल्ड के लिए तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, थर्ड चाइल्ड के लिए 40 रुपीज़ पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. फर्स्ट चाइल्ड के 100 तक एग्जेम्प्ट है, 40 मिले वो एग्जेम्प्ट, सेकेंड चाइल्ड के 100 तक एग्जेम्प्ट है, 40 मिले वो भी एग्जेम्प्ट, थर्ड चाइल्ड के लिए तो एग्जेम्प्ट 0 होते हैं, तो इसलिए फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा. लास्ट में लिखा हुआ है ही स्पेंड 1500 फॉर प्रोफेशनल बुक्स आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, ये तो बेटा एम्प्लॉय का खर्चा है, ये तो इनकम है नहीं, तो दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, ये सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा,
उसने अपनी जेब से खर्च किया है 1500 रुपये, अगर उसको कंपनी की तरफ से मिले भी हैं, दिस इज़ फॉर ऑफिशियल पर्पस, इसको आप परक्विजिट मत बनाइएगा। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ नहीं कि ये कंपनी की तरफ से मिले हैं, उसका खुद का खर्चा है, तो अगेन सैलरी इनकम बनेगी नहीं। कंपनी की तरफ से मिले भी होते तो भी मत बनाइएगा, क्योंकि उसने अपने प्रोफेशनल बुक्स उसने खरीदी हैं, बिजनेस अपने कंपनी के लिए ही खरीदी होंगी। तो अगर कंपनी के बिहाफ पर अगर आप कुछ खर्चा करते हैं तो, और कंपनी अगर इसके पैसे देती है तो दैट इज़ एन ऑफिशियल एक्सपेंस, ये आपका आपके लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो आपका पैसा है दैट इज़ योर सैलरी इनकम। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कीजिए, प्रेजेंटेशन देखिए वीडियो के बाद, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।